फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम आपको पता ही, आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको नेशनल इनकम नहीं आती तो ये वीडियो आपके लिए, और ये वीडियो आपको इवन रिवाइज करने में भी नेशनल इनकम ज़रूर हेल्प करेगी। तो ये 10-15 मिनट की वीडियो आप देख लेंगे तो आपका पूरा नेशनल इनकम झट से रिवाइज हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, नेशनल इनकम है क्या? नेशनल इनकम जो है वो पूरी इकोनॉमी की, यानी पूरे नेशन की इनकम है। तो फ्रेंड्स, ये नेशन की जो इनकम है, जैसे कि आपकी इनकम होती है, एक मेरी इनकम है, हम जब सबकी इनकम को प्लस कर देते हैं तो वो नेशन की इनकम बनती है। फ्रेंड्स, इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज़ करते हैं, बाय हूम, मतलब कि ये जो इनकम है वो कौन अर्न कर रहा है। तो जब हम नेशन की इनकम बोलते हैं तो वो इनकम होती है नेशनल इनकम जो उसके रेजिडेंट्स अर्न करते हैं। और ये रेजिडेंट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? रेजिडेंट्स कोई भी, अगर एक हमारा जो सिटीजन है जो 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रह रहा है और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया में लाई करता है तो वो रेजिडेंट होता है। और जो नॉन सिटीजन है, अगर वो भी इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रह रहा है और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया में लाई करता है तो वो भी इंडिया का जो है वो रेजिडेंट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो रेजिडेंट का पूरा कंसेप्ट है, अगर आप पूरा समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, लेकिन अभी के लिए आप बस ये समझ लीजिए कि जो नेशनल इनकम पूरे इंडिया की है, पूरे नेशन की है, वो मेरी नेशनल इनकम है। और इसमें जो इनकम रेजिडेंट्स वर्ड है वो आता है कि रेजिडेंट्स अर्न करते हैं। अब ये जो रेजिडेंट्स हैं फ्रेंड्स, ये वो भी हो सकते हैं जो इंडिया से ही इनकम अर्न करे, और फ्रेंड्स ये जो सेम रेजिडेंट्स हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये इनकम जो है वो उनको बाहर से आ रही है। तो सपोज करो, एक इंसान है जो इंडिया में रह रहा है पर उसके बाहर एक कंपनी है, तो फ्रेंड्स क्या है कि वो उसको बाहर से इनकम आ रही है, तो वो उसकी क्या है, वो है उसकी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और ऐसे भी हैं जो बाहर रह रहे हैं, इंडिया के रेजिडेंट्स नहीं है, उनकी उन्होंने कंपनी इंडिया में खोली भी है और उस कंपनी से उनको प्रॉफिट्स जा रहे हैं, तो वो क्या है फ्रेंड्स, नेशनल वो फैक्टर पेमेंट्स टू अब्रॉड। तो फ्रेंड्स, अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालूं तो आएगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट्स टू अब्रॉड। ये मेरा NFI का फॉर्मूला है। तो ये क्या है, मेरी जब भी मैं नेशनल इनकम निकालती हूँ फ्रेंड्स, तो उसमें ये जो NFI है ये भी एडेड होता है। मतलब इनकम जो है वो रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं, मैटर नहीं करता कि वो इनकम बाहर से आ रही है या तो फिर हमारी ही नेशन में अर्न हो रही है, वो जो इनकम अर्न हो रही है वो रेजिडेंट्स कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये नेशनल इनकम का कंसेप्ट है। और इसी के बेसिस पे दो डिफरेंस आते हैं, एक होती है डोमेस्टिक इनकम मेरी और एक होती है मेरी नेशनल इनकम। तो फ्रेंड्स, ये जो डोमेस्टिक इनकम होती है ना, इसमें ये बाहर से आने वाली इनकम जो है वो ऐड नहीं होती, लेकिन ये नेशनल इनकम में बाहर से आने वाली इनकम जो है ऐड होती है। तो ये जो डोमेस्टिक इनकम है इसको मैं GDP भी बोलती हूँ, और ये जो नेशनल इनकम है इसको मैं GNP भी बोलती हूँ। यानी ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है, और क्या फ़र्क है, इसमें मेरे बाहर से आने वाली इनकम एडेड है और इसमें मेरी बाहर से आने वाली इनकम नहीं एडेड। ठीक है, तो ये जो बाहर से आने वाली इनकम का कंसेप्ट है और ये आपको क्लियर होना चाहिए। रेजिडेंट्स, अगर आपको पूरा नहीं क्लियर कि कौन रेजिडेंट है कौन रेजिडेंट नहीं है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, इसमें डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं मेथड्स की तरफ। तो सपोज जब हमें NNP या TEPSI कैलकुलेट करना होता है फ्रेंड्स, तो उसके ये जो नेशनल इनकम को मैं डिनोट करती हूँ इससे, तो ये क्या है, सबसे पहले तो नेट नेशनल, ये जो बीच वाला है ये नेशनल के लिए स्टैंड होता है, और ये प्रोडक्ट एट FC, ये मैं समझूंगी अभी क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझ लेते हैं कि तीन मेथड्स कौन से हैं। सबसे पहला एक मेथड है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, कि जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ नेशन, मतलब जितना जितना गुड्स और सर्विसेज एक नेशन में प्रोड्यूस्ड है उसकी वैल्यू, मतलब जितनी भी क्वांटिटी फाइनल गुड्स की, फाइनल गुड्स फ्रेंड्स क्या है, फाइनल गुड्स वो हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होते, जैसे कि मशीन है वो आगे प्रोडक्शन में यूज होती है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। तो हम यहाँ पर जो बात करते हैं वो सिर्फ फाइनल गुड्स की बात करते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम हो जाते हैं। तो ये
अगर मैं इन गुड्स की वैल्यू निकालूं, इन गुड्स की वैल्यू मतलब प्राइस, यानी कितने प्राइस पे ये बिक रहे हैं, और क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी पूरी इकोनॉमी में ये फाइनल गुड्स की प्रोड्यूस हो रही है, तो ये मेरी नेशनल इनकम होती है। और इसको पी इंटू क्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला से निकालते हैं प्रोडक्शन मेथड, GVO माइनस GVI मतलब ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट क्या है आपका, तो फ्रेंड्स आउटपुट क्या है आपका, आउटपुट वो है जो फाइनल गुड्स आपका टोटल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो फाइनल गुड सपोज ब्रेड है, वो एक डायरेक्टली कंज्यूम हो रही है, एक फ्रिज है वो डायरेक्टली कंज्यूम हो रहा है, माइनस ग्रॉस वैल्यू ऑफ इनपुट मतलब कि जो इनपुट उसमें डल रहा है उसकी वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो टोटल ये वैल्यू एडेड मेथड भी इसको हम बोलते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसका जो इंट्यूटिव मीनिंग है वो यही है कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और इससे क्या आता है फ्रेंड्स, हमारा GDP एट MP आता है, मतलब कि इससे मेरी डोमेस्टिक इनकम आती है और मार्केट प्राइस पे आती है। अभी हम देखेंगे कि इससे हम नेट नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी बस ये समझिए इससे हमारी डोमेस्टिक इनकम आती है। सेकेंड मेथड है फ्रेंड्स इनकम मेथड। इनकम मेथड मतलब जितनी इनकम टोटल इकोनॉमी की आ रही है, तो इसमें फ्रेंड्स रेंट होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब जो टोटल वेजेस हैं वो है, फिर इंटरेस्ट होता है मतलब कि जितना हमने लोन दिया उस पर हमारे कितने पैसे मिल रहे हैं, फिर फ्रेंड्स प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मतलब जितना भी सपोज आपकी एक कंपनी है उससे जो इनकम आ रही है, फिर होता है फ्रेंड्स मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम यानी कि अगर आपका एक बिजनेस है जो आप अकेले चला रहे हैं या पार्टनरशिप में चला रहे हैं तो उससे जो इनकम आती है वो, और फ्रेंड्स इससे क्या होता है, इससे आती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी नेट डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइसेस। इससे हम कैसे निकालेंगे नेशनल इनकम हम अभी देखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड फ्रेंड्स क्या होता है कि जितना हम खर्चा करते हैं तो फ्रेंड्स जितनी इनकम होगी उतना ही खर्चा करेंगे। तो ये सबसे पहले जितना कंजम्पशन पे खर्चा करा, जितना इन्वेस्टमेंट में खर्चा करा, जितना गवर्नमेंट ने खर्चा करा और जितना हमने एक्सपोर्ट्स पे खर्चा करा, और लेकिन हम इसमें से माइनस कर देते हैं जो हमने इम्पोर्ट्स पे खर्चा करा। क्यों? क्योंकि वो इम्पोर्ट्स बाहर वाले की इनकम है, वो गुड्स जो है वो बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसलिए वो हमारी इनकम में नहीं आएंगे। सिमिलरली फ्रेंड्स इससे भी हमारा GDP या MP आता है, डोमेस्टिक इनकम आती है। अभी फ्रेंड्स अभी हमारी नेशनल इनकम नहीं आई। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं कि ये सब मेथड से हम नेशनल इनकम पे कैसे आते हैं। तो जब भी हम फ्रेंड्स नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम बोलते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हमने डिफाइन करा है एज नेशनल इनकम, ठीक है। तो हमने क्या क्या निकाला, हमने निकाला GDP एट MP आया मेरे फर्स्ट मेथड से, मतलब कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट आया मेरा मार्केट प्राइसेस पे, ठीक है। अगर इसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूँ तो मेरा फ्रेंड्स आता है NDP एट MP। मतलब फ्रेंड्स ये अगर मेरे को ग्रॉस से कहीं पर भी नेट में जाना है तो मैं डिप्रिसिएशन जो है माइनस कर दूंगी तो मेरा नेट आएगा, ठीक है। अब ये जो NDP एट MP है, तो आप देखिए बाकी मेथड्स में मेरा क्या आया है। एक में मेरा GDP एट MP आया, इसमें से मैं डिप्रिसिएशन माइनस करूंगी तो NDP एट MP आ जाएगा। यहाँ पर तो इनकम मेथड से आया ही NDP एट MP है, और एक्सपेंडिचर मेथड से GDP एट MP आया है, जिसमें से मैं डिप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी तो मेरा NDP एट MP आएगा। तो चलिए पहला वाला स्टेप तो मेरा हो गया क्लियर। अब फ्रेंड्स आते हैं दूसरे सब स्टेप से, डोमेस्टिक से नेशनल में कैसे आती हूँ। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको NFIA की बात बताई थी। तो फ्रेंड्स अगर मैं NFIA को GDP में प्लस कर दूँ तो उससे मेरा आता है GNP, मेरी नेशनल इनकम आ जाती है। चाहे ग्रॉस है नेट है फर्क नहीं पड़ता, बस ये नेशनल इनकम आ जाती है जब मैं NFIA में ये प्लस कर दूँ, ठीक है। तो अभी मैंने जो NDP एट MP में निकाल लिया, इसमें NFIA अगर मैं प्लस कर दूँ तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा मेरा, मेरा आ जाएगा NNP एट MP। अब फ्रेंड्स मेरा लास्ट स्टेप रह गया है जिसमें मुझे फैक्टर कॉस्ट में जाना है मार्केट प्राइस से, ठीक है। अब फ्रेंड्स मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको बताती हूँ। मार्केट प्राइस वो प्राइस है जो फाइनल मार्केट में जिस प्राइस पे एक चीज़ बिक रही है, ठीक है। लेकिन फैक्टर कॉस्ट वो है जब एक गुड तैयार होता है तो उसकी कितनी कॉस्ट है, किस कॉस्ट पे वो बना है, उसमें प्रॉफिट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन वो एक फैक्टर कॉस्ट है हमारे जितने भी इनपुट्स हैं उन जो यूज हुए हैं उस पे। तो सपोज करिए मार्केट प्राइस में अगर मेरे को मार्केट प्राइस से मैंने टैक्सेस माइनस कर दिए,
और सब्सिडीज ऐड कर दी। तो ये फ्रेंड्स मेरा फॉर्मूला होता है फैक्टर कॉस्ट का। इसका इंट्यूटिव मीनिंग मैंने आपको अभी समझाया कि जब एक चीज़ बनती है तो वो फैक्टर कॉस्ट पे बनती है। इसमें मतलब कि उस चीज़ की कॉस्ट इंक्लूड होती है जो उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कि लैंड का प्राइस ऐड होगा, उसका प्रॉफिट ऐड होगा, उसका लेबर का प्राइस ऐड होगा, सब प्राइस ऐड होगा, लेकिन इसमें टैक्सेस और सब्सिडीज ऐड नहीं होते। तो इसको ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी कह सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट में आप टैक्सेस ऐड कर देंगे और सब्सिडी माइनस करेंगे तो मेरा मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने सपोज करिए फॉर्मूला देख लिया है, ठीक है, और ये इसको मिला के ये जो टैक्सेस माइनस सब्सिडीज है इसको हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास एनएनपी एट एमपी है, ठीक है। तो अगर मैं एनएनपी एट एमपी में टैक्सेस माइनस करूं और सब्सिडीज ऐड कर दूं तो मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा एन एन पी एट एफ सी, फैक्टर कॉस्ट, और यही है मेरी नेशनल इनकम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इस इनकम में मैंने क्या क्या करा फ्रेंड्स, एक फटाफट समरी। इस इनकम में एक तो एनएफआई भी है, यानी बाहर की इनकम भी है, यानी ये डोमेस्टिक इनकम नहीं है, ये नेशनल इनकम है। उसके लिए मैंने एनएफआई इसमें ऐड किया था, प्लस इसमें से डेप्रिसिएशन मैंने निकाल दिया क्योंकि मुझे नेट में वैल्यू चाहिए। उसके बाद मेरे को ये इनकम की वैल्यू चाहिए फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट मतलब टैक्सेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है और सब्सिडीज का भी कोई इफेक्ट नहीं है इसमें, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था नेशनल इनकम अकाउंटिंग का मेजर फॉर्मूलाज और मेजर डेफिनेशंस। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते हुए ज़रूर कॉपी पेन लेकर बैठिए और इसको सॉल्व करके देखिए, आपको अच्छा तरह से समझ आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू फ्रेंड्स।